जी, तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, डाईहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड इज़ एन ऑर्गेनिज्म, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस इज़ एन क्रॉस। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस सा बताया गया है कि डाईहाइब्रिड एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताया है उसने, और डाईहाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस को कह रहे हैं जिसमें ये डाईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होती हैं। आपने वो पॉइंट सुना हुआ है हाइब्रिडाइजेशन वाला। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आप टू डिफरेंट वैरायटी को आपस में क्रॉस करवाते हैं। ये जो टू डिफरेंट वैरायटीज़ को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो आप एक हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे वही टेक्निक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि डाईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस से ही प्रोड्यूस किया है, और ऐसा क्रॉस जिसमें हम टू ट्रेड्स एट अ टाइम स्टडी कर रहे हों, दैट क्रॉस इज़ नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब टू ट्रेड्स मीन टू से इनहेरिटेड करेक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनको हम स्टडी करते हैं। लाइक दैट कि हम यहाँ पे गार्डन पी प्लांट ले रहे हैं, गार्डन पी प्लांट। इस गार्डन पी प्लांट के अंदर हम दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं, टू ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं। वन इज़ एन अ सीड शेप एंड अदर वन इज़ एन अ सीड कलर। अब ये सीड शेप सीड कलर जो है, इनमें हम पेरेंट्स को लेते हैं, और पेरेंट्स आप जानते हैं कि ये हमेशा ट्रू ब्रीड होते हैं। ट्रू ब्रीड का मतलब कि जब भी हम इनको आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो ये सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म हमेशा जनरेट करेंगे, हमेशा सिमिलर जनरेट की, यानी कि ये रिंकल्ड ग्रीन है तो जैसे इनको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो ये रिंकल्ड ग्रीन ही प्रोड्यूस करेगा। ये राउंड येलो है तो जैसे हम राउंड येलो को सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो ये राउंड येलो ही प्रोड्यूस करेगा। ये ट्रू ब्रीड होते हैं। सिंपल जुबान में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज मे बी होमोजाइगस। ये कैसे होंगे होमोजाइगस? तो हम इसमें ये टू वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मेल और फीमेल लेते हैं, इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं। जब हम इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मेथड होता है फॉलो, दैट इज़ मियोसिस, ठीक है, उसे मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है कि दोनों अलील्स सेपरेट हो रही हैं। आप देखिएगा, ये एक जीन के लिए है, इसकी ये भी दो सेपरेट होंगे तो कैपिटल आर एक आ जाएगा आगे जो ट्रांसमिट होगा। सिंपल, ये है दूसरी जीन तो इसकी भी अलील सेपरेट हो रही हैं तो ये भी सेपरेट हो गया। अब इसमें भी ऐसा ही है कि ये एक जीन है उसकी अलील सेपरेट हो रही हैं, ये दूसरी जीन है उसकी अलील भी सेपरेट हो रही है। तो मियोसिस में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, दोनों के सेपरेट हो रहे हैं। अब सेपरेट होते हैं, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास जो जाइगोट बनता है F1 जनरेशन के अंदर, दैट जाइगोट इज़ एन हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, दीज इंडिविजुअल 100% हेट्रोजाइगस होंगे, और सारे के सारे राउंड येलो होंगे, यानी कि वो फिनोटिपिक लिहाज से अगर हम देखें तो वो राउंड येलो हैं। और अगर हम उनको जीनोटाइप के लिहाज से देखें तो दीज आर अ हेट्रो जाइगस, ठीक है। अब देखिएगा, राउंड येलो यहाँ पे ट्रू ब्रीड ऑर्गेनिज्म से F1 में जो करेक्टर अपीयर होंगी ट्रू ब्रीड पेरेंट्स की, वो डोमिनेंट होती है। इसका मतलब कि राउंड डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे अपीयर होगी। अब हम क्या करवाते हैं, F2 प्रोड्यूस करने के लिए F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे। F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाने के लिए हम इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हम इनका ब्रदर सिस्टर उसमें क्रॉस करवाते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वी वांट सेल्फ क्रॉस, हम अब इसमें सेल्फ क्रॉस करवाते हैं फॉर टू द प्रोडक्शन ऑफ
टू, एफ टू, ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, यानी कि दैट इज आल्सो राउंड येलो, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये भी राउंड येलो है, जिनको हम आपस में क्रॉस करवाते हैं। ये इनकी जीनोटाइप्स थी जो लिखी हुई हैं। अब इनके गैमेट्स बनते हैं। अब देखिएगा, गैमेट्स जब बनते हैं तो डेफिनेटली अगेन मियोसिस को फॉलो करते हैं, और मियोसिस में हम कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट होती है, ये रैंडमली एक दूसरे से असॉर्ट होते हैं। अब ये दो अलील दो जीन्स हैं, एक ये जीन है और एक ये आर जीन है राउंड के लिए। अब ये जो कैपिटल आर है ये सेपरेट हो गया, इसने भी सेपरेट होना है। अब जब ये सेपरेट होगा तो दैट विल मेक कम्बिनेशन विद कैपिटल वाई। अब जब कैपिटल आर सेपरेट हुआ तो इट कैन आल्सो मेक कम्बिनेशन विद स्मॉल वाई, सेम स्मॉल आर कैन मेक कम्बिनेशन विद कैपिटल आर, स्मॉल आर कैन मेक कम्बिनेशन विद स्मॉल वाई, ठीक है, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। सेम इधर भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब कि इसमें फोर टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। फोर टाइप्स के क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। अब एक तरफ फोर टाइप्स के गैमेट्स हैं, दूसरी तरफ भी फोर टाइप्स के गैमेट्स हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास एफ टू में जो आएंगे जाइगोट, दैट विल बी 16। 4 × 4 × 16, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास आ जाएंगे वो 16 आ जाएंगे, ठीक है। अब इस एफ टू फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं तो हम इसके लिए एक पुनेट स्केयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये पुनेट स्केयर जो है इसमें एक साइड पे मेल गैमेट्स और एक साइड पे फीमेल गैमेट्स रखते हैं। जब ये हमने मेल गैमेट्स एक साइड पे रख लिए, फीमेल गैमेट्स एक साइड पे रख लिए, इनको हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, जैसे इसको आपस में क्रॉस करवाए इनको भी, और ये हमारे पास इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि ये जिसमें भी दोनों स्मॉल आर होंगे ये रिंकल्ड होंगे, दीज आर आर रिंकल्ड, ठीक है, और ये रिंकल्ड, ये चार रिंकल्ड आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे कैसे हैं? राउंड है। अब हम यहाँ पे इनकी फिनोटिपिक रेशो को देख सकते हैं। फिनोटिपिक रेशो में हमारे पास राउंड येलो एक, राउंड ग्रीन दो, रिंकल येलो तीन, रिंकल ग्रीन चार, फोर टाइप्स की फिनोटाइप्स आती हैं। अगर हम इनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स राउंड 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल येलो 3 है, रिंकल ग्रीन भी 1 है, और अगर हम एक रेशो को लिखें प्रॉपरली तो हम इसको लिख सकते हैं 9-3-3-1 रेशो जो है इसकी फिनोटिपिक रेशो है। क्वेश्चन इज दैट कि इस क्रॉस को अंडरस्टैंड करते हुए मेंडल ने क्या बताने की कोशिश की है। देखिए, मेंडल्स के टू लॉ थे, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब सेकेंडली है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मेयोसिस में जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर लाइक दैट अ जीन पेयर्स, जिसे हम सिंपली अलील्स कहते हैं, गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रीस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एट रैंडम फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट। यानी कि सेग्रीगेट लफ्ज़ का मतलब ही सेपरेट होना होता है। इसका मतलब यह है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलील्स सेपरेट हो जाती हैं, और जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन पे तो वो अलील्स दोबारा पेयर्स की फॉर्म में आ जाती हैं। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? देखिए, लफ्ज़ इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद, नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना। अब देखिए यहाँ पे ज़रा हम गौर करते हैं। देयर इज़ ना टू जीन्स यानी टू ट्रेट्स हैं हमारे पास, तो टू जीन्स हैं तो फोर अलील्स हैं। अब क्या राउंड की अलील येलो पे डिपेंड कर रही है? इट कैन राउंड येलो के साथ भी कम्बिनेशन बना सकती है, राउंड ग्रीन के साथ भी कम्बिनेशन बना सकती है। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो राउंड है वो येलो ही होगा, या जो राउंड है वो ग्रीन ही होगा, या जो रिंकल्ड है वो येलो ही होगा, या रिंकल्ड ग्रीन ही होगा।
देयर इज नो एनी कंडीशन, दे कैन असॉर्ट, असॉर्ट मीन से सेपरेट हो सकती हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज अलील्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंट ऑन अदर जीन्स, दूसरी जीन्स पे इंडिपेंडेंट होती हैं, दूसरी जीन्स पे डिपेंड नहीं करती। सो इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों, जब हमने इनमें क्रॉस किया तो ये चार तरह की फिनोटाइप आती हैं, फोर टाइप्स की फिनोटाइप्स आ रही हैं हमारे पास। इसका मतलब कि राउंड येलो के साथ कम्बिनेशन बना सकते हैं, राउंड ग्रीन के साथ बना सकते हैं, रिंकल्ड येलो के साथ कम्बिनेशन हो सकते हैं, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। देयर इज नो एनी कंडीशन इम्पोज ऑन देम, दे कैन फ्रीली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट फ्रॉम ईच अदर, ये आजादाना एक दूसरे से असॉर्ट हो सकती हैं। अब जरा हम इसको वर्ड्स में देखते हैं कि किस तरह से उसने इस लॉ को स्टेट किया है और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको अंडरस्टैंड किया है, ये हम अभी देखते हैं। ठीक है,